श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया। शिखर धवन को श्रीलंका दौरे के लिए टीम का कप्तान बनाया गया। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का ऐलान किया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम का उप कप्तान बनाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम 13 से 25 जुलाई के बीच श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। 20 सदस्यीय भारतीय टीम में नीतीश राणा को पहली बार टीम में जगह मिली। इनके अलावा देवदत्त पंडिकल और ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में जगह मिली है। श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई टीम में सबसे चौंकाने वाला तेज गेंदबाज चेतन सकारिया का नाम भी है। टीम इंडिया में ऑलराउंडर कृष्णा गौतम को भी शामिल किया गया। टीम इंडिया ने 4 नेट बॉलरों को भी श्रीलंका दौरे के लिए चुना है। ईशान पोरेल, संदीप वारियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरनजीत सिंह को नेट बॉलर के तौर पर टीम में चुना गया है। भारतीय टीम 13 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। वहीं T20 सीरीज की शुरुआत 31 जुलाई से होगी।